बाप रे बाप, लग रहा है जाने ले लेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं ढाई घंटा के परिश्रम के बाद नागराज बाहर आए, किंतु हम पे इन्हें भरोसा नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नेक्सर। मौर्य स्नेक्सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के छेदिया पारा गांव से मौका पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कंडा है और इसी के अंदर परिवार कोबरा स्नेक देखा है। कंडा निकालते समय आप देख रहे हैं काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार घड़ियां हुई समाप्त। बताया जा रहा है कि साइड में छिपा हुआ है, तो आप स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ पर कोबरा स्नेक बैठा हुआ है जिसे हम रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। आप लोग उधर से भी देखते रहिए। आप लोग देखते रहिए, यहाँ से भाग गया। हर तरफ निगाह लगाए रहे। तो आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को हम पकड़ चुके हैं। हालांकि ये लोगों का मानना हो सकता है कि जोड़े के साथ थोड़ा सा आंबर भी कंडा हटा के देख लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं काफी मेहनत करना पड़ा, इतने लकड़ी कंडे को हटाया गया। खूब करा था, खूब करा था कि मैंने जकड़ लाई है। अभी खड़ा हुआ जाएगा इन्हें। देखो साफ आउट ना भाई। अरे उल्टी दिया थोड़ा गजा है। हाँ होल्ड देखा करो सब चारों तरफ। यही था सही, देख लियो भैया। ये संकल्प किया था खटवा के छोड़ेंगे तो हम भी कहा। तो आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग को हम पकड़ चुके हैं। हालांकि दो ढाई घंटा की मेहनत हुई है, तो इन्हें हम लेके चलते हैं बाहर। आप देख रहे हैं बाहर इतनी पब्लिक दो घंटा से इंतजार कर रही थी नागराज की, नागराज के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं हम लेके चलते हैं बाहर और लोगों को करीब से दर्शन कराते हैं। अब थोड़ी कार ली तब बचा ली है, टेंशन ना ले। जानते हो अंतर ये कितना है क्या? बोल करो पहले। अरे जय हो, जय हो, जय हो। तो आप देख सकते हैं कम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग यहाँ पे छिपा हुआ था और कठोर परिश्रम के बाद रेस्क्यू हो पाया। बाप रे बाप, लग रहा है जाने ले लेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं ढाई घंटा के परिश्रम के बाद नागराज बाहर आए, किंतु हम पे इन्हें भरोसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना भीड़ लगा हुआ है, तो ढाई घंटा में परिश्रम किया गया। सूरज कहाँ के बना रहे हैं? सूरज कहाँ के? गए 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 गए। वो मामा बहुत ही दवत है, बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ, भीड़ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ से ढाई घंटा परिश्रम के बाद नागराज को हम सुरक्षित रेस्क्यू कर पाए हैं।
और आप इनके क्रोध को देख सकते हैं, क्योंकि लोग भलाई नहीं मानते और देख रहे हैं। नागराज भी इतना परिश्रम करके निकालने के बाद दसने के लिए तैयार है। बहुत जाना था कि नहीं मार पाएंगे। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग यहाँ पे छिपा हुआ था। काफी परिश्रम हुआ, काफी लकड़ी हटाई गई, काफी कंडा हटाया गया, तो कठोर परिश्रम के बाद नागराज को हम रेस्क्यू कर पाए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बरसात का मौसम ऐसे में सांप इंसानी बस्ती में प्रवेश कर रहे हैं, सुरक्षित आशियाने के चक्कर में है, इसलिए हमारे घरों की शरण ले रहे हैं। ऐसे में सावधान रहना है, क्योंकि अब ठंडी भी आने वाली है, तो ठंड की तैयारी में लगे हुए हैं। 4 महीना के लंच पर होते हैं, पूरी ठंडी भोजन नहीं लेते, कि भोजन के तलाश में और शिकार के चक्कर में घूम रहे हैं। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा, तो ऐसे में सावधान रहना है, क्योंकि सांपों का खतरा बढ़ा हुआ है। और दुर्भाग्य से ऐसे इसने किसी को बाइट कर ले, काट ले, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध होता है, विष निरोधक दवा उपलब्ध होती है, जिससे हम लोगों की प्राण रक्षा हो सकती है। तो हॉस्पिटल की तरफ जब भी जाए तो सरकारी हॉस्पिटल जाए। दो मिनट आप, तो आप देख सकते हैं नागराज को हम पकड़ चुके हैं, दुर्भाग्य से ऐसे में बैठ के, तो हॉस्पिटल की तरफ जाना है और सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे एंटीवेनम अवेलेबल होता है, जिससे हम लोगों की प्राण रक्षा हो सकती है। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने से आसानी से मौत हो जाती है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जब किसी का एक्सीडेंट होता, कोई बीमार होता, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, किंतु ऐसे जहरीले स्नेक किसी को बाइट करते हैं, हम लोग झाड़ फूक कराते हैं। आप लोग समझ सकते हैं झाड़ फूक से जहर कभी बाहर नहीं आ सकता, और जब तक जहर बाहर नहीं आएगा तब तक इंसान को बच पाना मुश्किल होता है। और हॉस्पिटल में विष निरोधक दवा उपलब्ध होती है, जिससे हम लोगों की प्राण रक्षा होती है। तो दुर्भाग्य से इसे स्नेक बाइट करें, तो हॉस्पिटल की तरफ जाना है, और ज़्यादा हो सके तो इन्हें भी बचाएं, क्योंकि इनकी भी प्राकृत में आवश्यकता है। इनके जहर से अनेकों प्रकार के मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, दवाई तैयार की जाती है, जो कि प्राण घातक बीमारियों पर कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें बचाना भी काफ़ी आवश्यक है। और एक चीज़ और भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी में ये हो ना, तो कहना पड़े कि पहले नागराज हुआ करते थे, जैसे गिद्ध हुआ करते थे, तो इनकी प्रजाति को भी बचाना है। इन्हें हम डालेंगे फॉरेस्ट में, जाएंगे संरक्षित किया जाएगा, वहाँ पे सुरक्षित रह करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे और वहाँ पे बने रहेंगे। तो हम इन्हें रखते हैं इसी बात के साथ। ये बाइट करने के लिए, डसने के लिए रेडी हैं। तो हम इन्हें रखते हैं थैले के अंदर। इनके पास विषैला दो ही दांत होता है, जब भी किसी को सांप काटे और दो दांत के निशान हो, तो आप समझ जाएं कि जहरीला सांप काटा हुआ है, क्योंकि जहरीला सांप जब भी बाइट करता है, काटता है, तो डबल दांत के निशान पड़ते हैं और बॉर्डर लाल होता है। और खास करके इनके बाइट करने पे काटी हुई जगह पे जलन सूजन आना चालू हो जाता है, तो ऐसा लक्षण दिखे तो आप लोग समझ जाएं कि जहरीला सांप ही बाइट किया है। तो हम नागराज को रखते हैं थैले के अंदर और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि इंसानी बस्ती के जीव नहीं, इंसानी बस्ती में होने पे खतरा होता है। तो हम नागराज को रखते हैं और आप देख सकते हैं ये लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये भी 2 घंटा से भागते रहे, हम ढूंढते रहे, और इतना बड़ा परिवार लगातार इनके ऊपर निगाह जमाए रहा, तो सभी के सहयोग से ये कोबरा स्नेक पकड़ा गया है। तो हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में। इस बेजुबान को बचाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हें हम रखते हैं थैले में और लेके चलते हैं इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट में। चलिए नागराज को सिर्फ थैले के अंदर चलिए। तो आप देख सकते हैं नागराज अपनी सेफ्टी सुरक्षा को देखते हुए खुशी खुशी इस थैले के अंदर आ चुके हैं, और इन्हें हम पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट के तरफ। ये भाई साहब बहुत महान कार्य किए हैं। अपना नाम क्या है सर? कन्हैया लाल बीडीसी छरिया पारा। आपका थाना क्या लगता है? परशुरामपुर थाना, जिला बस्ती। भाई साहब ने बहुत महान कार्य किया है, इतना परिवार को इकट्ठा किया, इतना लाइट की व्यवस्था की, 2.5 घंटा भाई साहब ने हमारा सहयोग किया नागराज को बचाने में, इस बेजुबान को बचाने के लिए। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के लिए हो सके तो एक ताली का सहयोग कर दें इस बेजुबान को बचाने के लिए। आप सभी ग्रामवासियों को, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही महान कार्यों में आप लोग सहयोग करते रहें। तो हम नागराज को पैक कर चुके और लेके चलते हैं फॉरेस्ट के तरफ, जो कि इनका वास्तविक घर है। धन्यवाद सर आपको इस बेजुबान को बचाने के लिए। हम चलते हैं फॉरेस्ट के तरफ। होकर के
चाचा छोड़ दियो। आप देख सकते हैं स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है और जाते समय बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं कि स्नेक कैसे अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है। यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा निर्भय होकर। और स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।